दोस्तों, देश की दिग्गज ऑटोमेकर्स कंपनी टाटा मोटर्स ने बुधवार को ये कंफर्म किया है कि उसने अपने ओनरशिप वाली एक सब्सिडियरी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया है, जिसका नाम टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड है और ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल बनाएगी। और दोस्तों, कंपनी के इस मामले में मंत्रालय ने 21 दिसंबर 2021 को इस कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी कर दिया है। कंपनी की सब्सिडियरी सभी तरीके की इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और दूसरे सर्विस से जुड़े काम करेगी। दोस्तों, टाटा मोटर टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की पैसेंजर होगी और इसमें उसकी 100% हिस्सेदारी होगी। और दोस्तों, आपको और एक बात बता दें कि इस सब्सिडियरी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट 700 करोड़ रुपीस की शुरुआती कैपिटल से किया गया है। गौरतलब है कि इस साल अक्टूबर में टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रॉनिक मोटर बिजनेस में अगले 5 साल में $2 अरब निवेश करने का ऐलान किया था। कंपनी ने यह भी बताया है कि उसने प्राइवेट इक्विटी फर्म TPG से अपने इलेक्ट्रॉनिक कारोबार के लिए फंड जुटाया है। दोस्तों, TPG के राइट राइस क्लाइमेट फंड और अबू धाबी स्टेट होल्डिंग कंपनी ने टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक बिजनेस में करीब $1 बिलियन निवेश करने का ऐलान किया है। और दोस्तों, इस खबर की आने की वजह से टाटा मोटर के शेयर में हमें काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला। हालांकि ये शेयर अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाया और आखिर में शेयर गिर गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट टाटा मोटर्स को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।